करके गल कर दुवान विच खरी जावा ओ बड़ी देर तो मिले इना सज्जना दे रज रज दीदार मैं करी जावा सतान दी दरी जावा ओ बुरा ज्यादा कुर्बानियां हुंदियां ना सौ सौ बार जे जम के मरी जावा नजर करो मेरा वाना शरद दिया मोहन सिंह जी
संगत स्यों मागी किते सेवक रज बली दे सुन नू दुनिया फिरे वरागी ओ इना खपना नारोंगी पिंगला नू समझे संपूरा न दाना पिंगला नू समझे संपूरा न दाना रंग बज दे के चैरी में मेरा दी नजर करो मेरा मानना जिड़ा सुतले कर्म जगाउन वाला बादशाहियां सरदारियां बख्श देवे गुरु विछड़ियां ताई मिलाउन वाला धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन पुत्र गोदा निग मार रही समुची सिख संगत गुरु रूप खालसा जीओ आप वड्डे भागां वाले हो आओ सब तो पहला गुरफते सांझी करिए गिनती दे मिलता है इधर अज साडा दवान भी आखिरी है वैसे आखिरी समा कहते परमात्मा लेके ना आवे सो साढ़े सत्कारयोग है पहला सोमा सिंह जो कीर्तन करके गए हैं उन्होंने भी आखिरी दवान से अज तो साडा भी अज संडे आखिरी दवान है सो समुचिया सिख संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि बड़े प्रेम बख्शे आओ सब तो पहला गुरफते सांझी करके समुचिया सिख संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारे सत्कारयोग है समुची कमेटी का असं धन्यवाद करते हैं समुचिया संगतों के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि सानू छे महीने के बड़ा प्यार दिता ढेर सारा प्यार बेअंत माया बख्शी है मैं एक गल होर भी कह देव तकरीबन छे महीने तो लैके तुम बड़ी माया दे रहे हैं पर जोड़ा कोई रह गया वो भी अज अपनी घाट पूरी कर दौ तो रह गया तो अच अपना पहला सुखमा साहब ने भी तुम्हें बेनती की सो साडे अमीओ भाई बेनती है भी जेडे छे महीने तो लैके तकरीबन कई ने तो हर रोज सानू मान किया है तो कई साढ़े बाद आंदा है उन्होंने भी मान किया है सो गुरु तुहाडा बड़ा प्यार मिला सो माया के नाल इंसान नहीं हुंदा सो प्यार दे नाल समुचिया संगतां ने समुची कमेटी ने बहुत सारा प्यार बख्शिया बहुत सारिया गलतियां भी हो जाए ने इंसान के कोलो साडे जत्थे कोलो गलतियां भी बहुत हो गई होणगियां ते समुचिया सिख संगतां गुरु साहब बख्शन हारा बख्शना जी आओ गुरमुखो मैं एक कविता सब तो पहला इतिहास शुरू करने तो पहला मैं एक धन्यवाद दी कविता साढ़े सत्कार जो पहला कमेटी से सत्कार जो मेहर सिंह जी प्रधान सी सो उन्होंने प्यार बख्शिया तो हुण साढ़े सत्कार जो संघा साहब प्रधान ने समुची ही कमेटी बहुत वधिया जो बनी है वह भी सानू बड़ा प्यार बख्श रहे हैं आओ गुरमुखो मैं एक धन्यवाद दी कविता समुचिया संगतां दे अगे अकाल पुरख वाहिगुरु अगे अरदास बेनती है कि समुचा जो सिख संगत गुरु का खालसा जो साढ़े निशान साहब अज चलाया जाना है तो सतगुरु कृपा करे सदा ही सारे निशान इस तरह झूलते रहन आओ धनवादी की कविता जत्थे वाले उस तरह बेनती की जा रही तरजा नवीया रचदिया पाके पे कई मोड़ किवें बठाए शरणे जोड़ा दे बच जोड़ा भई चढ़ गई है नवे साल दी सारे नू रंग तजी साडा भी इको दिन है रह गया अज संगत जी साडा भी इको दिन है रखांगे याद हमेशा
संगत ही रही बख्शती पापी गुणकार रखांगे याद हमेशा संगतां दे प्यार रखांगे याद हमेशा मेरा सन प्यार बथेरा माया दे गप्पे जी लम्मियां सब उमरा पोगर सारिया दे बच्चे जी लम्मियां सब उमरा पोगर रखांगे याद हमेशा संगतां दे प्यार।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਓ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਪੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਾ ਨਵਾਲਵਰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਜੋ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਕਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 20 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਧੇ ਆ ਗਏ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮੁੱਚੇ ਯੋਧੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲਾਲੂ ਵਰਗੇ ਤੇਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਰੂਦ ਜੋ ਅਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਧਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਤ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਮਹਾਂਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਾਜਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸੇਵ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜੋ ਲੜਾ ਦੇਣ ਕੇ ਹੇਤ, ਪਰਚਾ ਪਰਚਾ ਕਟਮਰ ਕਬਹੁ ਨਾ ਜਾਟਾ ਖੇਤ। ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਬਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕੇ
मत्था चमके ते अखा सी गशीलियां रोब बड़ा शाम सिंह दा मत्था चमके बंदा फड़िया पलाती तो तारा वैरियां दे आहू ला गया शाम सिंह जी शाम सिंह सब रावा वाली जंग च अमारा शहीद पा गया शाम सिंह जी
आखिरी जरनैल सरदार शाम सिंह अटारी ने छबरावां की जंग की शहीदी जाम पीता। इतिहास दसदा है कहिंदे गोरे जो उन्होंने हथ दे विच शमशीर फड़ी हुई तलवार फड़ी हुई सी उन्होंने खोलने की कोशिश की है जो ना कोई कोई मुठ्ठी ना खोली तो कहते उन्होंने गुट वट के लै गए अंत तक अंतम शिकार भी अटारी के बड़े शान शौक के नाल किया गया। क्योंकि जिन्ना चर कहते गोरा कौम रही है तो अटारी जो भी नंघते सन तो कहते सलाम करके जाते सन उस नगर में भी इस नगर के कोई योद्धा पैदा होया। गुरमुखो अच्छ सानू लोड़ आ साढ़े सिख कौम योजे योध्या इस सुरवीर की क्योंकि जो साढ़े समाज के जो साडे गुरु साहिबान की कई बार बेबती हो गई है गुरमुखो यह ता करके क्योंकि साडा सिख कौम जो विखरिया पिया है सानू लोड़ असी एक जिंदा चर असी समुची सिख कौम एक नहीं होंगे उन्होंने चर योजना गतिविधियां होंदिया रहनिया ने यहो जी गुरमुखो साडू सिखा ढाल लाने की कोशिश होंगी रहेगी। आओ जत्था इंडिया बेनती करता खिमा का जाचका सो समुचिया सिख संगत फिर धन्यवादी हाँ साढ़े सत्कार जो साहूकार वाला परिवार हरपाल सिंह सिद्धू सो जिन्होंने कि साढ़े समुचे ही जत्थे की सहमति भरी सो कमेटी को कह करके सो सा इतने जो सेवा ली है असी धन्यवाद करते हैं समुची कमेटी का समुचिया संगतों का कुटन कोटवार आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इतिहास बोलता बहुत सारे गलतियां त्रुटियां रह जाए ने साध संगत गुरु साहब पाशाह पाशाह जी बुलाओ फतेह गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह जी के जथे पहला सन्मानित किया हूँ भाई जगदेव सिंह जी साहोके के जथे भी उन्हों का भी अज अखीरला दीवान है पहला कीर्तनी जथे का भी अज अखीरला दीवान से अज अपने कोशरी जथे का भी अखीरला दीवान है उन्होंने गुरु घर की मर्यादा परंपरा मुताबक सन्मानित किया जा रहा है दास जकारा लवावे गए इस खुशी के बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उतर गया मेरे मन का संसार उतर
ਸਾਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਦੰਦਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਦਾ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨੀ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨੀ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨੀ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ 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 ਅਨ ਨੇ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ ਸੋਨਿਹਾਰ।
बड़े प्यार सत्कार के नाल सारिया ने हिस्सा लिया है। पंजां प्यारियां की अगवाई में आप सारा ये कार्य संपूर्ण किया है। गुरु महाराज की कृपा हुई है कि उन्होंने मौसम भी सानू चंगा बख्शिश किया है। सो इस सारिया संगतां का जिते धन्यवाद करते हैं। नाल बेनती है कि जिन्हें संगतां ने हल तक देग नहीं ली, देग लैके जान और लंगर नहीं छके, लंगर छक के जान और इतने इस वेले इस कार्य की संपूर्णता है। सो सारे बख्शिश करो। अपना यह है कि 20 तरीक न अमृत संचार का बाटा तैयार होएगा। सारिया बेनती है जिन्हें भी अभिलाषिया ने अमृत छकना है वो अपनी तैयारियां कर लेना और उन्होंने ककार जो है गुरुद्वारे तो मिलने। किसी भी गुरुद्वारे अपना नाम दे सकते हो, ककार इतों लैने पर नाम अपने लिखा दो ताकि असं उस मुताबक वह इंतजाम कर सकीए। सो जरूर इस समय का मौका तुम जरूर अवेल करो ता कि क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब तो साढ़े पास चार प्यारे आ रहे हैं, पांच प्यारे की आप इतों सेवा लावे और वह ये बाटा तैयार करेंगे जिन्होंने कि बहुत ही साल ये सेवा करके कल उत्थे अकाल तख्त साहब से सेवा की है, हजारा ही प्राणियों अमृत छकाया है। सो ये आप वेला हाथों ना जान दईए। सारे बेनती है कि जरूर ये समय का मौका जो समय का फायदा लवो और तैयार होवो ताकि आप गुरु वाले बन सकीए। सो इतें अपनी यही इन्नी बेनती करता हुआ मैं आप तो खेवा जा चुका। जकारे नाल आपां इतों छुट्टी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। बोले सो निहाल।